इस समय बलरामपुर में तेजी से नतीजे सामने आ रहे हैं। हर किसी की नज़र इसलिए भी इस जिले की चारों सीटों पर लगी हुई है क्योंकि यहां से साल 2017 में बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब एक बार फिर से स्थिति कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है। बलरामपुर सदर सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी पलटूराम सबसे आगे चल रहे हैं। साल 2017 में भी बलरामपुर से सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पलटूराम ने ही बाजी मारी थी। इस तरह से इस बार फिर से उनके खाते में बलरामपुर सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर सपा पार्टी में जगराम पासवान, कांग्रेस से बबीता कुमारी और बसपा की तरफ से हरिराम पासवान चुनावी मैदान में उतरे थे। अब इन सभी उम्मीदवारों को बीजेपी प्रत्याशी पलटूराम ने काफी पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से यहां बीजेपी की जीत होने वाली है। खैर, पूरे यूपी में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है उससे सपा समेत सभी दलों के तमाम दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं।